गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कैसे आप घर पे हेयर स्मूथिंग कर सकते हो। हेयर स्मूथिंग एंड स्ट्रेटनिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो पे मैंने बताया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्मूथिंग के लिए लॉरियल एक्सेंसो ओलियो शेप ऑयल ट्रायो स्मूथिंग क्रीम और न्यूट्रलाइजर यूज़ किया है। ये स्मूथनिंग क्रीम और न्यूट्रलाइजर का एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो पे पूरा बताया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मिल जाएंगे मेरे न्यू वीडियो के सारे न्यू नोटिफिकेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये स्मूथनिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक वाइड कुम्ब चाहिए होगा और एक नैरो कुम्ब चाहिए होगा। देन सेक्शनिंग करने के लिए आपको क्लिप्स लगेंगे। आप कोई भी क्लिप्स यूज़ करें, मैं तो यहाँ पे नॉर्मल क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं स्मूथनिंग घर पर कर रही हूँ। और ऐसा बोल लगेगा आपको जिसमें आप अपना स्मूथनिंग क्रीम और न्यूट्रलाइजर को यूज़ करेंगे। पहले हमें स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करना है, तो आप स्मूथनिंग क्रीम को एक बोल में डाल लें एंड अपने हेयर को अच्छे से ड्राई कर लें। आपको सिर्फ शैम्पू करना है, कंडीशनर नहीं करना है। एंड देन आपको अपने हेयर को अच्छे से डिवाइड कर लेना है, पार्टीशन कर लेना है। एंड देन आपको पहले स्ट्रेटन करना है हेयर, क्योंकि इनका जो हेयर है ये बहुत ही ज़्यादा रफ और बहुत ही ज़्यादा कर्ली था, तो मैंने इसे सेमी स्ट्रेट किया है। आप लोग देखिएगा इस वीडियो पे। तो पहले मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से इनके हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ। एंड स्ट्रेट कर लेने के बाद मैं फिर से इनके हेयर को डिवाइड कर लूँगी। ऐसे डिवाइड करने के बाद आपको छोटे छोटे सेक्शन में स्मूथिंग क्रीम को अप्लाई करना है। एंड करते करते आपको कुम्ब भी करते रहना है ताकि वो हेयर जो है वो स्ट्रेट रहे। तो आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड अप्लाई करने के बाद आप इसको 45 मिनट्स तक रखें। मैं आप इसे 25-35 मिनट्स तक भी रख सकते हो, बट मैं 45 मिनट्स तक रखूँगी। मैक्सिमम टाइम है 45 मिनट्स, आप 45 मिनट्स तक रखिए। एंड उसके बाद हम वॉश कर लेंगे हेयर को। क्रीम को लगा के अच्छे से आपको इमल्सिफाई करना है, ऊपर नीचे करना है, अच्छे से मिक्स करना है एंड कोम करते रहना है ताकि वो जो क्रीम है वो अच्छे से सारे हेयर स्ट्रैंड्स पे लग जाए। और अब 45 मिनट्स के बाद मैं धो रही हूँ यहाँ पे। किस तरीके से धो रही हूँ आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको धोना है। स्मूथनिंग क्रीम को धोने के बाद आपको हेयर ड्रायर से अपना हेयर को सुखाना है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इनका हेयर का टेक्सचर आफ्टर अप्लाइंग दैट क्रीम। तो अब हम न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। तो न्यूट्रलाइजर लगाने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका हेयर एकदम स्ट्रेट रहे। आप प्रेस कर सकते हो स्ट्रेटनर से, बट मैंने नहीं किया क्योंकि इनका हेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा था, स्ट्रेट लग रहा था। और हाँ, आपको एक ही पोजीशन में बैठना है पूरे टाइम के लिए। 20 मिनट्स के लिए हम न्यूट्रलाइजर रखेंगे, उस टाइम में भी आपको एकदम हिलना नहीं है बिकॉज फाइनल लुक हमारा उसी हिसाब से आएगा। तो आपको अपना हेयर एकदम स्ट्रेट रखना है। 20 मिनट्स के बाद आपको अपने हेयर को अच्छे से धो लेना है। आप लॉरियल का मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। एंड धोने के बाद आप उसे अच्छे से ब्लो ड्रायर से ड्राई कर लीजिए हेयर को। एंड उसके बाद आप स्ट्रेटनर की हेल्प से स्ट्रेट कर लीजिए। एक एक पतला पतला हेयर स्ट्रैंड आपको लेना है एंड उस हेयर स्ट्रैंड में आपको 7 से 8 बार अपने स्ट्रेटनर को प्रेस करना है। तो अच्छे से आप हेयर का प्रेसिंग करिए एंड देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये लॉरियल एक्सटेंसो का ओलियो शेप, बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो 3 दिन तक आपको अपने हेयर को भिगाना नहीं है, आपको कानों के पीछे हेयर को नहीं रखना है, क्लचर नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। 3 दिन तक आप अपने हेयर को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें। एंड ये रहा हमारा हेयर का लुक, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, आप लोग भी यूज़ करें। वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय, टेक केयर।